रामनगर मंडी समिति में बीते कई दिनों से हो रही गुलदार की दस्तक से मंडी समिति में हड़कंप मचा हुआ है। बीती देर शाम मंडी समिति में रहने वाले एक युवक पर गुलदार के हमला करने से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गनीमत रही कि गुलदार को देख युवक ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे गुलदार वहां से भाग गया। गुलदार के हमले में युवक के पैरों पर नाखूनों के निशान भी थे। वह मामले में मंडी समिति के सचिव ने वन विभाग को पत्र भेजकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। मंडी सचिव साहिल अहमद ने बताया कि कई दिनों से मंडी क्षेत्र के आसपास शावकों के साथ एक मादा गुलदार को देखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि मंडी में सुबह 4 बजे से आवागमन शुरू हो जाता है, साथ ही मंडी परिसर में एक आवासीय परिसर भी स्थित है। ऐसे में गुलदार किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है। उन्होंने वन विभाग को पत्र भेजकर गुलदार को पकड़ने की मांग की है। मंडी समिति में कई मरतबा मंडी स्टाफ ने और आड़तियों ने और व्यापारियों ने ये मुझसे शिकायत की कि यहाँ मंडी के अंदर जो है एक बाघ घूम रहा है, और कल रात भी जो है उसको देखा गया, और एक लड़के के ऊपर भी हल्के नाखून वगैरह के निशान हैं, उस पर मारे गए, जिसके क्रम में जो है हमने वन विभाग को जो है एक लेटर लिखा है और हमने कहा है कि ये जो है बाघ है, यहाँ पे जो आवारा कुत्ते वगैरह हैं उनको अपना भोजन वगैरह बना रहा होगा, इसलिए आ रहा है। और ख़ास तौर से कुछ मंडी बाग का जो बाग बाहर है, बाग है, उसमें जो ये देखा गया है कि वहाँ पे बच्चे भी हैं, उसके मादा है। तो ये जो है इस संबंध में हमने जो है वन विभाग को चिट्ठी लिखी है। वहीं मामले में तराई पश्चिमी रामनगर के DFO प्रकाश चंद आर्य ने कहा कि हमारे द्वारा रामनगर के मंडी क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है, साथ ही लगातार गुलदार की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोगों से सतर्कता पूर्वक बाहर निकलने की अपील की गई है। अब जैसे आप जानते ही हैं, सभी लोग विदित हैं कि इस समय गुलदार की आवाजाही आबादी की तरफ को लगातार हो रही है। उसका जो मुख्य कारण वो यही है कि जंगल में जो बाघों की संख्या वो बढ़ने से गुलदार और उनका संघर्ष हुआ, तो उसको उनके लिए आसान हो गया कि वो आबादी की तरफ को आ गए। और तो और आबादी में भी जहाँ गन्ने के खेत या इस तरह के उनको छुपने के बगीचे के जगहें बहुत हैं, इसलिए उनको यहाँ सेफ फील हो रहा है, इसलिए आ रहे हैं। और ऐसी एक मामला ये मंडी समिति वाला भी है। मंडी समिति में पता चला है कि वहाँ पे गुलदार दिखाई दे रहा है बार बार, तो उसके लिए जैसी सूचना आई तो तत्काल हमारी टीम वहाँ पर मौके पर पहुँच गई है और लगातार गश्त कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह की कोई घटना ना हो और गुलदार वापस अपना जंगल की तरफ चला जाए।